हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स में। दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि जारी की गई है SSC की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नई विज्ञप्ति जारी की गई है ऑफिशियली। हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और बहुत सारी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो इस चैनल में अपलोड करता हूँ। तो आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरी वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकेंगे और वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। SSC की तरफ से अभी 2-3 दिन पहले एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें 4-5 या 5-6 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है, तो मैं उसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो वैकेंसी है वो काफ़ी सारे पोस्ट के लिए है, जैसे जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन इन हिंदी, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर इन इंग्लिश और हिंदी प्राध्यापक। यही 4-5-6 वैकेंसी है, तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डेट की बात करें तो जो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा जा रहा है वो 15 अप्रैल 2017 से भरा जा रहा है। आप ऑनलाइन भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फॉर्म भरने की, वहाँ से आप भर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहें तो। लास्ट डेट जो फॉर्म को भरने की रखी गई है वो 5 मई 2017 रखी गई है। आपको फॉर्म को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपके कुछ अपनी क्रेडेंशियल अपलोड करना होगा, जैसे कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब। उसके बाद आपको फ़ी वगैरह पेमेंट करनी होगी। आप चालान के थ्रू फी पेमेंट कर सकते हैं या ऑफिशियल अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी फी पेमेंट कर सकते हैं, तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। और जो इन सब की जो लास्ट डेट रखी गई है सबकी, पूरा फॉर्म भरने की 5 मई 2017 रखी गई है। एग्ज़ाम की डेट उन्होंने अभी 15 जून इन्होंने बताई है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, जो आप देखते होगा, 15 जून को होगा और एडमिट कार्ड जून के पहले सप्ताह में आ जाएगा। जो फीस इन्होंने रखी गई है फॉर्म भरने के लिए, वो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, मतलब 100 रुपये रखी गई है। SC, ST, PH और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। आप कोई फीस नहीं देना होगा फॉर्म को भरने के लिए। फॉर्म को कोई भी भर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, किसी भी स्टेट का होना चाहिए, फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आप जानते होंगे ये SSC एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। जो एज क्राइटेरियन की तरफ से रखा गया है, वो एज जो रखा गया है, आपकी एज 1 जनवरी 2017 को मैक्सिमम एज 30, मतलब मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज की उन्होंने कोई बात नहीं की है कि मिनिमम एज कितनी चाहिए, सिर्फ मैक्सिमम एज आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2017 को। एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलता रहेगा, जैसे SC ST के लिए 5 साल के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल के लिए और PH कैंडिडेट के लिए 10 साल के लिए। अब वैकेंसी की डिटेल बात कर लेते हैं कि किन किन पोस्ट की वैकेंसी है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है। देखिए, सबसे पहले इस वैकेंसी को कई ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो पहले ए ग्रुप, इन्होंने ए ग्रुप जिनका नाम दिया है, ए ग्रुप ए, उसका नाम है जूनियर ट्रांसलेशन इन CSOLS, जूनियर ट्रांसलेशन इन CSOLS। ए ग्रुप इसका नाम दिया गया है। और बी ग्रुप का नाम दिया गया है जूनियर ट्रांसलेशन इन रेलवे। सी ग्रुप में है जूनियर ट्रांसलेशन इन आर्म फोर्स। डी ग्रुप में है जूनियर ट्रांसलेशन इन सबॉर्डिनेट। तो ये चार जो वैकेंसी है इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको शायद समझ ना आए तो बढ़िया से समझिएगा। देखिए, इन सभी ग्रुप्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, उन्होंने कहा है मास्टर डिग्री इन हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी से हो और इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट हो आपके मास्टर डिग्री में, या तो एक सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट या तो आपको इलेक्टिव हो या तो कंपलसरी हो। यदि ऐसा ना हो तो इंग्लिश मीडियम से आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। समझे कि नहीं? आप देखिए, मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश के साथ हो, जिसमें इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, और यदि ऐसा नहीं है तो आपको इंग्लिश मीडियम में पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री। अब या तो ये हो, या दूसरी बात, मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश के साथ हो, हिंदी प्लस इंग्लिश के साथ हो, उसमें आपका हिंदी एज ए इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट हो। यदि ऐसा नहीं है तो आपको हिंदी मीडियम से पास होनी चाहिए आपकी मास्टर डिग्री। यदि, और तीसरी बात, यदि ये सब दोनों नहीं है तो तीसरी बात, मास्टर डिग्री हो यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, या तो हिंदी नहीं है या तो इंग्लिश नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से हो तो मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट हो। और उसके साथ साथ क्या है
कि आपको इंग्लिश मीडियम से पास हो या तो हिंदी मीडियम से पास हो, या तो इंग्लिश मीडियम से मास्टर डिग्री किए हो या तो हिंदी मीडियम से मास्टर डिग्री किए हो। और एक और या तो ये भी नहीं है, तो अगली बात इन्होंने कहा है कि मास्टर डिग्री विथ हिंदी एंड इंग्लिश, यदि मास्टर डिग्री हिंदी के साथ हो या तो इंग्लिश के साथ हो, और यदि इन दोनों और जिस भी मान लीजिए हिंदी से आपने मास्टर डिग्री किया है तो एज ए इंग्लिश आपका मतलब मीडियम होना चाहिए मास्टर डिग्री पास करने का। यदि आपने इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश से आपने मास्टर डिग्री की है तो हिंदी मीडियम होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री का। और इसके साथ साथ प्लस क्या है, इस ये तो और अर्थ था, अब इसमें क्या है कि आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर का, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर का आपके पास इसके साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये हो गई ग्रुप ई की बात। और उसके साथ साथ यदि ये नहीं हो तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर करने का, या तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। अब आते हैं ई ग्रुप की। ई ग्रुप के लिए इन्होंने जो रखा गया रखी गई है बात, वो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब ई ग्रुप जो है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का है। तो इसमें क्या इन्होंने क्राइटेरिया रखा गया है कि सेम ऐसे ही जैसे उसमें था, मास्टर डिग्री हो विथ हिंदी एंड इंग्लिश, यदि आपने हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट या कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं लिया है तो इंग्लिश मीडियम के साथ आपके पास इंग्लिश मीडियम के साथ आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने एक और क्राइटेरिया रखा गया है ई ग्रुप के लिए कि आपके पास जो है वही डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए एक आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर का, और यदि ये नहीं है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं भी काम करने का एज ए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर का। अब आते हैं एक ग्रुप के। एक ग्रुप का है जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। जो ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि मास्टर डिग्री हो, या तो मास्टर डिग्री हो विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट, या तो उसके साथ आप इंग्लिश मीडियम से मास्टर डिग्री किए हों। इसके साथ साथ यदि आप बैचलर डिग्री किए हैं विथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब कि बैचलर डिग्री हो आपके पास हिंदी और इंग्लिश के साथ, और आपके बैचलर डिग्री में हिंदी और इंग्लिश दोनों एज ए मेन सब्जेक्ट हों, और दोनों 3 साल में हों, मतलब फर्स्ट ईयर में भी आप मैथ प्लस इंग्लिश पढ़े हों, सॉरी हिंदी प्लस इंग्लिश पढ़े हों, सेकेंड ईयर में भी हिंदी प्लस इंग्लिश पढ़े हों, और थर्ड ईयर में भी हिंदी प्लस इंग्लिश पढ़े हों, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री आपके पास है तो। अब ये तो एफ ग्रुप की बात हो गई। अब आते हैं जी ग्रुप की। जी ग्रुप में है आपका हिंदी प्राध्यापक के लिए, हिंदी प्राध्यापक के लिए है जी ग्रुप में। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास हिंदी प्लस इंग्लिश में किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो इंग्लिश या तो हिंदी या तो इंग्लिश, मतलब हिंदी में फर्स्ट ईयर में हिंदी, सेकेंड ईयर में हिंदी और थर्ड ईयर में भी हिंदी हो, या तो फर्स्ट ईयर में भी इंग्लिश, सेकेंड ईयर में भी इंग्लिश और थर्ड ईयर में भी इंग्लिश हो, किसी एक सब्जेक्ट के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट में, या किसी भी सब्जेक्ट मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं है मास्टर डिग्री में। और इसके साथ साथ आपके पास बीएड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने डिजायरेबल ये कहा है कि यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है हिंदी प्राध्यापक के लिए वैकेंसी के लिए। तो शायद ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कैसे कैसे क्या क्या करना है। और एक और बात कि आपकी जो ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपको 1 जनवरी 2017 को ये सब आपके पास होनी चाहिए। यदि आप इस साल अपीयरिंग वगैरह में हैं तो आप ना अप्लाई करें, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2017 को आपके पास ये सब डिग्री कम्प्लीट होनी चाहिए जो आपके पास डिग्री मांगी गई है। तो ये था सारा सिनारियो उसका, शायद आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जा रही है इसलिए मैं जल्दी से जल्दी एंड कर रहा हूँ। यदि आप जल्दी से और यदि आप कोई सवाल है तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में अगले वीडियो सब मिलेगा, तब तक के लिए नमस्कार।